नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, और खासकर वो ऑर्डर है हमारे सेंट्रल विस्ता को लेकर। और जो हमारे दर्शक नए हैं या जो पुराने हैं, वो जानते हैं कि सेंट्रल विस्ता पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से काफी हाईलाइट में रहा है, जहां पर सरकार ने पूरा जोर लगाया कि ये प्रोजेक्ट बने। और इतनी तेजी तो शायद युद्ध युद्ध स्तर पर जो काम किया गया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो जिसको हम वेल मीनिंग लोग कहते हैं, दिल्ली के अंदर, देश के अलग अलग कोनों से, उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट दरअसल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इवन राष्ट्र के हित में भी नहीं है। और इसी को लेकर आंदोलन भी हुए और इसी को लेकर फिर बात हाई कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने इस पे फैसला सुनाया और जनवरी 5 को वो फैसला सुनाया गया, जिसमें डिवीजन के रूप में वो जजमेंट आई है। 2 जजों ने ये कहा कि गवर्नमेंट से कोई चूक नहीं हुई है, उसके पास अधिकार है और उसका अपने आप में काम करना ही पब्लिक इंटरेस्ट है। और दूसरा, एक जज ने कहा है कि इसमें बहुत चूक हुई है और कंप्लीट वायोलेशन हुई है। तो इसी को ही जो ये जजमेंट हुई है, क्या ये जजमेंट पूरा रोड मैप बिल्ड करेगी सेंट्रल विस्ता को? इस सेंट्रल विस्ता में क्या आ रहा है, क्या किस तरह से इसके इस पे लोगों लोगों पे इसका असर पड़ेगा, खासकर दिल्ली के बाशिंदों पर? इस पे हमें हमारे साथ बात करने के लिए हैं माधव मेनन और मंजू, जो कि हमारे मतलब आर्किटेक्ट हैं माधव रमन, और काफी समय से इस आंदोलन में भी जुड़े रहे हैं। और ये जो कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें भी काफी उसके उसके साथ जुड़े रहे हैं। और मंजू मेनन जो कि रिसर्चर हैं और वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में काम भी करती हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और पूरे उस एंगल से भी इस पूरे जजमेंट को भी देखना चाहेंगे और आगे क्या होने वाला है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। तो माधव, सबसे पहले हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि अब ये जजमेंट आ गई है और जैसा कह रहे हैं कि 2-1 का मतलब ये है कि ये मतलब अब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट बनना है और जो बिल्डिंग बन रही है। तो आप, ये जजमेंट क्या है और सेंट्रल विस्ता क्या है और इसका क्या असर पड़ने वाला है आम जनमानस पर, उस पर थोड़ा आप अगर बताएंगे तो हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं वो भी, अब क्या उनके लिए अब ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया है या अभी भी कुछ अभी भी कोई राह देखी जा सकती? ठीक है, थैंक यू तेकिंदर। मैं 2-3 चीजें थोड़ी साफ कर देना चाहता हूँ, थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ। एक तो पहली बात, मैं पिटिशनर खुद हूँ नहीं और हमने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, क्योंकि अगर शायद कुछ करते तो पता नहीं कुछ और नतीजा निकलता, बट हमने किया नहीं। हमारी दिक्कतें आंदोलन का, आंदोलन का मेरा मतलब माधव ये भी है कि डिस्कशन भी आंदोलन का ही पार्ट आज दुनिया भर में ये इन बातों की मतलब अलग अलग मीनिंग निकालते हैं लोग, तो इसलिए मैं साफ कर देना चाहता था कि मैं पिटिशनर खुद हूं नहीं, बट मैं जुड़ा हुआ हूँ। काफी मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, मंजू के साथ भी मेरी अक्सर बातें हुई हैं इसके बारे में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये काफी इसके अलग अलग पहलू हैं और हर पहलू में कुछ ना कुछ दुविधा या कुछ ना कुछ दिक्कत हमें नजर आती है। और इस चक्कर में जो जजमेंट निकला है उसको हमें थोड़ा अच्छी तरह से समझने की, तो एक तो जजमेंट जो है उसमें एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी ओपिनियन है। तो जब हम कहते हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है, हमें इसका यही मतलब है कि जो मेजोरिटी जजमेंट है उसको अभी तक, ये बहुत जरूरी शब्द हैं दो, अभी तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही जिस तरीके से सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। जो माइनॉरिटी, जैसे आपने कहा है, जो डिसेंटिंग जजमेंट था जस्टिस खन्ना का, उसने काफी विस्तार में बताया है, और जो जो मेजोरिटी है, मैं ये इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने ज्यादा घुसे नहीं है मामलों में, मेरिट्स जो कहते हैं, मेरिट्स ऑफ द केस के भीतर नहीं घुसे, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक अपना एक पोजीशन एक्सपाउंड किया है, बताया है विस्तार में कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन रोल होता है वो चीजों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखने में होता है, और उनको जो लगता है कि अभी तक जो काम सरकार ने किया है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का वो स्ट्रिक्टली लॉ के मुताबिक पढ़ा जा सकता है, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है जो लॉ के विपरीत है, ये इतना कहा है अभी तक। और माइनॉरिटी ने दूसरी तरफ काफी सारी दिक्कतें बहुत ही विस्तार में उन्होंने समझाई हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं।
तो अगर हमें प्रोजेक्ट का ट्रू नेचर समझना है तो हमें माइनॉरिटी को पढ़ना चाहिए, भले ही मेजॉरिटी की बात मान के आगे बढ़े। और इसमें एक और पहलू है प्रोजेक्ट इस केस के मामले में जो हम सबको समझना चाहिए कि ये कोई केस तब नहीं बना जब प्रोजेक्ट बन चुका है, जैसे कि अक्सर होता है। तो कई बार कोर्ट जो है वो अपने इसमें थोड़ी मतलब उनमें थोड़ी पाबंदियां होती हैं कि वो कुछ कर नहीं पाती। उसको हम लैटिन में फेट अकॉम्प्ली या फ्रेंच में फेट अकॉम्प्ली कहते हैं कि बात हो गई, अब हम क्या करें इसमें आके। तो ये एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे वो फेट अकॉम्प्ली का पूरा हुआ है नहीं, क्योंकि अब मैं देखूं तो प्रोजेक्ट का 1/10 एक दसवां हिस्सा मेजॉरिटी जजमेंट में बोल दिया कि अभी तक हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, माइनॉरिटी ने कहा बहुत दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से जजमेंट को सही तरीके से पूरी तरह से 600 पेज का जजमेंट लिखा है, तीनों जजेस ने बहुत मेहनत करके 38 बार हियरिंग करवाई है 8 महीनों में, बहुत मेहनत मशक्कत लग के 600 पेज का एक जजमेंट लिखा है। इसको पूर्णतः अगर समझना हो हमें तो इसमें हमें यही सीख मिलती है कि एक तो हम सबको, सरकार को, हम सिटीजन्स को और जुडिशरी को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, ठीक है ना, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, अपने अपने कायदे, अपने अपने राइट्स के हिसाब से आगे बढ़ानी चाहिए बात। और जस्टिस खन्ना ने बहुत मेहनत लगा के बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे बढ़नी चाहिए बात। ऑलरेडी सरकार जो है उन्होंने उनके जो सजेशंस, क्या कहूं, उन्होंने जो ऑर्डर में लिखा है उनको कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया। नंबर वन ऑर्डर का पॉइंट था कि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स का खुलासा कीजिए 7 दिन के अंदर। ये बात पूरी साहब जो हमारे माननीय मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी अगस्त 2020 को बता दिया था कि हम एक वेबसाइट खोलेंगे। आज तक हम सब जो नागरिक हैं हमें ये इंफॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। अब इसके दो प्रॉब्लम्स इसमें हैं। एक तो है कि संवैधानिक तरीके से अगर देखें तो हम हिस्सेदार हैं, ये हमारा हमारा हमारी हमारी हमारा संसद बन रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या सोच लगी हुई है इसमें। इसमें हमें जीरो इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। आरटीआई लगाओ इस बात पे तो हमें बोला जाता है कि ये एक स्टेट सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते। तो और सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार की तरफ से कोई खुलासा भी नहीं हुआ, सरकार ने बोला हम काम कर रहे हैं इस पे। तो अगर मैं मान के चलूं तो इसमें ये एक है कि एक संवैधानिक तौर पे एक होता है कि मुझे जैसे आर्किटेक्ट हूं, मुझे बायलॉज को मान के मास्टर प्लान के तहत अपना काम करना है। ये जो प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं हमारे देश में, जो हमने एक जो चीज आजादी के साथ मिली थी हमें वो ये थी कि जो एक कानून है वो सब पे लागू होगा और जो सब में सरकार भी शामिल है, अगर सरकार भी अपना काम कराएगी वो कानून के अंतर्गत कराएगी। कानून में साफ लिखा है कि इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि किन रूल्स के तहत ये पास हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल गायब है। तो सबसे बड़ी बात जजमेंट से जो मुझे समझ में आता है कि जिस मेहनत और जिस तरीके से अपनी अपनी पूरी जुडिशियल दिमाग को लगा के जिस मेहनत से इन जजेस ने काम किया है उसका मेरे हिसाब से सरकार अपनी तरफ से उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है और वो अपने बेनिफिट के तरह से सब कुछ देख रही है, अपने मुनाफे की तरफ से सब कुछ देख रही है, नागरिक एक तरफ और मैं तो कहूंगा उच्चतम न्यायालय भी एक तरफ। सरकार जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है उस पे ना तो हमारा ना तो उच्चतम न्यायालय का कोई 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 हमारी मुंह से कोई शब्द निकलता है तो उसके पीठ से वो पानी जैसे निकल जाता है। ये संक्षिप्त में पूरे जजमेंट का मायना मेरी तरफ से। थैंक यू माधव। मंजू, आपसे हम थोड़ा बात करेंगे। मुझे भी मौका मिला ये पूरे 600 पेज पढ़ने का और मैंने भी पूरा पढ़ लिया इसी बहाने जैसा माधव ने कहा। और इसमें एक बात जो दो बातें मैं कहता हूँ, वैसे तो इसमें बहुत सारे इश्यूज फ्रेम हुए हैं और मैं चाहूंगा आप कम से कम 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करें जो कंटेंशंस थी, लेकिन उससे पहले आपकी राय जानना चाहूंगा दो बातें जो मेरे समझ में आ रही है मेजोरिटी की, ऑफकोर्स क्योंकि उनकी जजमेंट है। उन्होंने कहा कि एक तो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट अपने आप में गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो आप मिसट्रस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्या आप युद्ध पर जाओगे तो आप पहले लोगों को बताओगे? तो ये लग नहीं रहा है कि बहुत बचकाना मतलब इस तरह काम होता है। इट्स कंप्लीट एन इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, आई मीन इट्स नॉट एन ऑर्डर, इट्स एन इन्फेंटाइल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू। तो
मतलब और जो 5 इश्यूज भी फ्रेम हुए थे वो आज के आज वैसे के वैसे। अब आप स्मॉग टावर की बात कर रहे हो, मतलब क्या है क्या है। आप दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन की बात हुई, हेरिटेज कमिटी की बात हुई, लैंड यूज चेंज करने की बात हुई, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हुई, ये जो कंटेंशंस पूरी थी। मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा भी, और आपका इंटरव्यू भी बहुत जबरदस्त पिछले दिनों छपा है, तो अगर आप उससे भी कुछ निकाल कर बताना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि और जानकारी हमारे देखने वालों को जाएगी। थैंक यू जोगिंदर। माधव ने एक्चुअली काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली ये जजमेंट किस चीज के बारे में था और आगे क्या क्या अभी बाकी होना है। कि एक्चुअली ये स्टोरी अभी शुरू हुआ है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पिछले एक सिंस द टाइम जब टेंडर खुला था तब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और हमारा ये कोविड और लॉकडाउन के बीच में जो प्रोसेस हुआ था कोर्ट में, ये सिर्फ उतना तक ही है। एक्चुअली इस बड़े प्रोजेक्ट जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जिसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बड़े एकदम बड़े स्टाइल में, वो एक्चुअली अभी अभी उसका जो पार्ट अभी ऑपरेशनल है वो सिर्फ एक्चुअली पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन, नए पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी काफी उस पार्ट का काफी प्रोग्रेस हुआ है। बट बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसका अभी बहुत काम बाकी है। दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ अप्रूवल्स एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से होते हैं। देर आर ऑलरेडी सम वेरी वरिंग साइंस कि वो किस तरह से होने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि मीडिया का ये ग्रीन सिग्नल बोलते बोलते इट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हाउ द पब्लिक अंडरस्टैंड्स व्हाट हैज हैपेंड विद दिस प्रोजेक्ट। मुझे सिर्फ दो तीन पॉइंट्स और बताने थे। एक्चुअली जजमेंट में ऐसे बहुत से थीम्स और टॉपिक्स हैं जो बहुत ही सीरियस हैं एंड जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकता है अगर हम इन पे हम गवर्नमेंट इन इनको इम्प्लीमेंट करे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि इस पर्टिकुलर केस में ये दो तीन जो चीजें बहुत जरूरी थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने डिस्कस किया है। एक तो ये है कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट, ये जो न्यू पार्लियामेंट जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने के लिए निकले हैं गवर्नमेंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। पूरे अगर आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल द पार्टीज विदाउट एन एक्सेप्शन उन्होंने बोला है कि दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दिस इज अ प्रोजेक्ट लाइक नो अदर। या इट इज राइट, हम हर 5 साल तो पार्लियामेंट नहीं बनाते, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट लाइक नो अदर। बट द सुप्रीम कोर्ट, the majority judgment has actually underplayed the importance of this project and they have gone usko underplay karne ke baad they have gone on to state that we should trust the government in what they do, jaise ki aapne bataya na. Now the thing is you know, if the majority judgment had given the recognition to this project which all the parties in the legal case gave, then this would not be possible. This kind of a judgment would actually not be possible at all. So that's the first thing I wanted to bring up. Ki ye, the nature of the project has been sort of muddled by the majority judgment when actually all the parties accepted and agreed on the fact that it is a project like no other. That is the first thing. दूसरी बात ये है कि majority judgment ने बोला has accepted कि this is a policy matter and because it is a policy matter the government should be allowed to do what it is. इसमें दो मुद्दे बहुत जरूरी हैं समझने में. One is that if it is a policy matter there is not a single document to explain how this policy came to be.
सर, इवन इन कोर्ट, कोर्ट में भी जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो एक मीरा कुमार का कोई लेटर व्हेन शी वाज स्पीकर, देन सुमित्रा महाजन का वन लेटर व्हेन शी वाज द स्पीकर. दीज टू थिंग्स आर नॉट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. A Definitely policy not. document is very detailed. It has to have a lot of discussions about why the government is getting involved in this. And Justice Khanna has rightly observed that a policy can always be undone. This is a project which you cannot undo at all. You know, so the second thing, ये जो दूसरी बात जो majority judgment ने किया है to reduce this to a policy matter is wrong on so many counts. And that's the reason why this judgment became possible, because they reduced this to a policy matter. तीसरी बात ये है कि I don't know, इस judgment के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे master plan, Delhi master plan का क्या status है. It completely changes, you know, the way हम लोग हमेशा जब जब ये court proceedings हम लोग the court documents हम लोग पढ़ रहे थे, so we were constantly using one phrase to understand what was going on, and in fact Madhav has used this on several occasions, even when he has spoken to other you know, on other platforms, putting the cart before the horse. You know, कि planning requires certain steps to be taken, and उसके बाद ही आप project लगा सकते हैं. लेकिन this is actually the other way around. You have designed, you have decided that you want to put up a project, and then उसके बाद आप around that you decide to change all the policy, all the planning instruments that are supposed to govern those spaces. So these are the three things that I wanted to bring up. Of course, judgment ne bahut detail mein bola hai about participatory democracy versus representative democracy, about the importance of information and things like that. Lekin ye actually this issue stays with this project, and it will continue. Ki itna bada project jo ye jo this government is trying to put up, isme actually there was no parliamentary discussion at all. Abhi tak there are no documents to show whether a parliamentary discussion took place or not. In fact jo documents mile hain bahut mushkil se, because actually is project ke documents accessible hai hi nahi, lekin court ke process ki wajah se jo documents mile hain usme ye clearly nikal ke aata hai ki if at all any discussion took place among certain parliamentarians, it may have taken place only early last year when all the processes had already begun and the litigation was on. So in my view, the litigation has caused some discussion to take place. Agar wo nahi hota to utna bhi nahi hota. So this is what I wanted to place about the judgment. अभी ये judgment पे आपने बात जो रखी है, और इसपे बहुत सारी सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि इसमें बहुत सारे lacuna है, मतलब basically policy matter की बात कही है, एक तरफ trust और mistrust की बात कही है. तो what next? What next means, of course, क्योंकि हम अभी इस project की तो हमने बात ही नहीं की है कि ये कितना मतलब इस प्रोजेक्ट में कमियां क्या है. हम तो अभी लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. तो क्या अभी रिव्यू या रिविजन पिटीशन करने की बात हो रही है? और एनजीटी के तो वैसे ही मतलब रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे रहा है. लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी तो 10% भी काम नहीं हुआ है, और फेज में भी बहुत सारा काम आएगा. तो क्या इसका ये वाला पहलू भी अभी देखा जाना चाहिए कि इसके रिव्यू पिटीशन डाली जाए, या फिर इसको किस तरह से आगे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से चैलेंजेस तो जो पेटिशनर होंगे या जो ऑलरेडी हैं, वो अपनी मंशा से वो आगे बात बढ़ाएंगे, मेरा ये मानना है. एंड ये बहुत ही मतलब मैं बहुत ही साफ दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि हमें कभी भी किसी भी सरकार को अपने इरादे से अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे रोक कोई लगाता नहीं है, बशर्ते
कि वो पॉलिसी का की सूझबूझ का प्रमाण सरकार हमें का प्रमाण हमको देना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो रिपोर्ट निकाले, चाहे वो वेबसाइट खोले, चाहे वो कुछ करे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का सवाल है, उनके हिसाब से तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ भी सरकार करे वो उसके इरादे नेक हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। जो मैं एक्चुअली मुझे उसमें उसको मानने में भी ज्यादा दिक्कत है नहीं, मगर सूझबूझ पे मुझे बहुत डाउट लगता है, क्योंकि जितना अभी तक दिखता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, उस सूझबूझ को ढूंढने में ही सारा टाइम हमारा एक साल निकल चुका है, क्योंकि वो ढूंढने पे भी नहीं मिलता है। मैं दो तीन चीज कहना चाहूंगा। ये टेंडर निकला था सितंबर में पिछले साल के, मतलब 2019 जी, और 2019 सितंबर में टेंडर निकला, अक्टूबर 2019 में एक महीने बाद डिजाइन दिखने लगा हमें, कभी YouTube पे, कभी किसी के Facebook पे, कभी जो विनिंग बिडर हैं उनके YouTube पे वीडियो निकलते हैं, तो उन सब से हमें दिख रहा है कि ये बनने वाला है। दिखता है कितना बड़ा है, कितना सारा कुछ बन रहा है, कितनी सारी जमीन जो हमें म्यूजियम के लिए चाहिए थी, हमें लाइब्रेरी के लिए चाहिए थी, वो सारा जो है सरकारी तौर पे एक तरीके से हड़प लिया गया है, ये सब दिख रहा था। बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं, इमारतें इतनी ऊंची कि वो पूरा मतलब इंडिया गेट तक के मंजिल तक मतलब उसका नाप है, संसद भवन से पूरे 3 मंजिल ऊंचा ये नया संसद बनने वाला है। तो दिक्कतें तो बहुत हैं कि हमारे जो अपने दिल में बिठा के रखते हैं संसद को, इंडिया गेट को, वो सडनली थोड़ा छोटा लगने लगा हमें। मगर जो दिखा अक्टूबर 2019 से आज की डेट तक, जो दिख रहा है कि जो जैसे भूमि पूजन जिस दिन हुआ था उस दिन सब चैनल ने बहुत कुछ दिखाया हमने, वो भी आधे अधूरे, कुछ सही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आप तो जानते ही आजकल पत्रकारिता की का स्तर इस तरीके का है कि कुछ हमें दिखता है फिर उसके ऊपर 4 आलाप हम भी जोड़ के आगे बढ़ाएं, ये तरीका बन चुका है पत्रकारिता का। तो इस हिसाब से हमें ये सब मिल रहा है, मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अक्टूबर 2019 से ये जो अभी हम अगर मान के चलें, जजमेंट आया 5 जनवरी 2021 को, है एक साल से ज्यादा, 14 महीने में एक नक्शे का एक लाइन नहीं बदलाया है सरकार ने। तो अगर लोगों के साथ बातचीत कर भी रही है, मान लो वो सरकार कहती है कि नागरिक तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो जो हमारे संसद में बैठते हैं उन सब से बातचीत करनी है, और किसी से क्यों बात करें, मान लो ये कहती है सरकार, तो कम से कम जो संसद में बोला जा रहा है उसके बारे में, चाहे जैसे मंजू ने कहा ये तो एक्चुअली 2-4 साल पहले कर देते तो बढ़िया रहता, मगर चलो मान लो कर भी दिया अभी, जो मुझे बहुत, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये सही है। हॉर्सेज और कार्ड्स की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, यहाँ पे घोड़े और घोड़े गाड़ी की बात नहीं करनी चाहिए, लाठी और भैंस की बात करनी चाहिए। बट यहाँ पे जो अभी तक मुझे एक कुछ प्रमाण दे दीजिए कि किसी की भी बात सुनी हो CPWD ने, किसी की भी बात सुनी हो, चाहे मैं अपनी बात कहूं क्योंकि मैंने 2-4 चिट्ठियां मैंने भी लिखी हैं, चाहे पेटिशनर की बात कहूं, चाहे DDA के सामने जो हम सब हाथ जोड़ के बैठे थे कि DDA आप प्लीज लैंड यूज मत बदलिए, और जो जो आप बदल रहे हो तो हमें बस दिखा दो कि हमें अगर म्यूजियम चाहिए तो वो कहां आ रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से वहां पे यहां की गोटी वहां लगा के अपना काम कर रही है कि नेशनल म्यूजियम तोड़ दिया, हम क्या है संसद को म्यूजियम बना देंगे या नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम बना देंगे, मगर अभी तक वो लैंड यूज चेंज हुआ तो नहीं है, उन चीजों के नक्शे नजर तो नहीं आ रहे, जो हमारे संग्रहालय में जो मतलब उनकी कोई तुलना अतुल्य, जो कहते हैं हमारा जो हेरिटेज रखा हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएंगे। हम ख्याली पुलाव तो ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं, मगर कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। तो आज तक ना तो एक रद्दी भर का प्रमाण हमें नहीं मिला कि किसी ने सूझबूझ लगाया है, और जो हम लोग बाहर से देख देख के झांक झांक के बोल रहे हैं कि ये तो थोड़ा गलत लग रहा है साहब, इसका थोड़ा बता दो, वो ना तो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया कि हाँ क्या हम अगर मान लीजिए चीन के साथ जंग पे जाते हैं तो क्या हम लोगों से पूछ के जाएंगे। मेरा तो मानना है कि तो पूछ लेना चाहिए, अच्छी बात होगी अगर पूछ लो, भले ही आप चाहे जंग छेड़ दो, सरकारी तौर पे आपको पूरा हक है कि जंग छेड़ दो, पर थोड़ा बहुत तो बता दो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरा देखिए, एक तो मैं लॉयर हूं नहीं,
मुझे इसमें दो दो चीजों से दिक्कत है। एक तो एज एन आर्किटेक्ट, जो मैं अगर अपना जो वास्तुकला दिखाना चाहता हूं, तो अभी तक मेरा ये मानना था कि हम सबको कानून के कायदे में रख के ये सब दिखाने, जलवे दिखाने चाहिए हमारे वास्तुशिल्प के, वास्तुशिल्पी या वास्तुशास्त्र के। मगर मुझे जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके का सरकार की सोच का मुझे जो समझ में आ रहा है, वो ऐसा है कि सरकार के वास्तुकार का रूल अलग है और नागरिक वास्तुकार का रूल अलग है। अलग है या। ये चीजें मुझे बहुत दिक्कत है इन चीजों से, क्योंकि या तो आप कानून जो है पहले बदल देते, बढ़िया, मतलब किसी ने रोका था क्या? जिस तरीके से इस पे आप कदम पे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उस पे कदम पे कदम बढ़ाए जाते, वो तो किया नहीं आपने। और जब कुछ अगर हम लोगों को कुछ नजर आ रहा है, कि ऐसा भी नहीं है कि हम बेफिजूल के हाथ पर चला रहे हैं, इसमें दिक्कतें नजर आ रही हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं उसके बारे में। अब आपने दो चीजें कही, एंटी स्मॉग टावर का रूलिंग में आया है ऑर्डर में, और एक दूसरा था DUAC के ऑर्डर में आया है, मल्टी लेवल कार पार्किंग लॉट बनना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये काम जो स्मॉग टावर का था, ये सरकार को सोचना चाहिए था, ना कि उच्चतम न्यायालय को। और इस चीज की डिटेल हमें पहले बतानी चाहिए थी, नंबर वन। अगर मैं मुझे यही डर लग रहा है कि अभी तो ये है कि हमारे बेचारे जो हमारे न्यायालय में जो जजेस बैठते हैं, जिनपे इतना लोड ऑलरेडी है, उनको अब टेक्निकल रिपोर्ट भी बनाना ना शुरू करना पड़े इसकी बहाने। अब दूसरा DUAC ने बोला मल्टी लेवल कार पार्किंग, आप दिल्ली शहर में ढूंढ लीजिए, मल्टी लेवल कार पार्किंग की लीगल स्टेटस इसलिए है क्योंकि वो सार्वजनिक है। अगर नए संसद में उनके हिसाब से 1000 गाड़ियों का प्रबंध करना था, वो नए संसद के प्लॉट के अंदर ही आना था, जो कि नामुमकिन है, आते ही नहीं है, फिट ही नहीं आते। तो मतलब जो संसद बनेगा उसकी पार्किंग इलीगल हो जाएगी, भले ही DUAC ने बोला है, मास्टर प्लान के हिसाब से तो नहीं है ना। एंड दूसरी बात, जो संसद में नए संसद का जो मापदंड है जमीन पे है, उसमें बहुत दिक्कतें हैं लैंड यूज के हिसाब से। जो अलाउड है उससे ज्यादा फैला हुआ है, जो अलाउड है उससे ज्यादा ऊंचा बन रहा है, जितने मंजिल बन के जितना FAR बनना है। अब ये प्रॉब्लम संसद में भी नहीं है, बाकी सब में भी है, और एक एक करके वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। NG, अगर हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें, मंजू मेरे से ज्यादा इस पे वो ज्यादा एक्सपर्ट है ऐसे मामले में, बट अगर वो चाहते भी हैं कि पूरा इतना, मतलब इतना बड़ा और इतना विशाल प्रोजेक्ट अगर बनाना है, तो किसने रोका है? इसमें हम लोगों के साथ ये पकड़न पकड़ाई का है खेल रहे हैं। सारा सब कुछ आप जमा कर दीजिए कि ये बनाना है, और अपने अपनी श्रद्धा से उसका परमिशन लीजिए, और हम सब मिल जाएंगे आपको उसमें, हाथ में हाथ हम भी कंधे से कंधा मिला के बनाएंगे अपना सेंट्रल विस्टा। मगर ये जो हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे हो, ये जो आप कह रहे हो ना इन्फेंटलाइजिंग, ये है वो इन्फेंटलाइजिंग। हमारा संसद टूट रहा है, सरकार को लग रहा है वो आंख मिचोली खेल रहे हैं हमारे साथ। ओके मंचो, आई थिंक अब क्या आगे, तो ये तो है ही है हमारे सामने क्वेश्चन, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कंटेंशन थी वो ये था कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट के पूरा सेंट्रल विस्ता की बात नहीं हो रही है पीस मील में, अभी पार्लियामेंट ला रहे हैं फिर और लाएंगे, लेकिन क्या ये स्कोप नहीं दे रहा है? क्योंकि जब दूसरे काम शुरू होंगे तब वही हेरिटेज कमेटी में जाना पड़ेगा, तब वही जाना पड़ेगा, तो वो स्कोप जो एक्टिविस्ट हैं या जो जो लोग हैं, हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलकर उसको वहां पर दोबारा से इसको फिर मतलब चैलेंज किया जा सकता है, तो क्या इससे एक वो स्कोप भी खड़ी नहीं हुई? हालांकि उसको भी कैसे राइड ऑन किया है, हमने अभी देखा है जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक ही दिन में हेरिटेज कमेटी की भी जो मतलब अप्रूवल दी गई है, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मतलब पूरा जो आने वाला समय होगा? या इस इसके बारे में बात तो एक्चुअली अभी तो बहुत कुछ होना है। जैसे मैंने कहा कि देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो अभी पूरा डिस्क्लोज भी नहीं हुए हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी कभी जब भी इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा जाता है, तो सडनली यू फाइंड कि देयर इज एन एडिशनल प्लॉट और देयर इज सम मोर, इट हैज एक्सटेंडेड सम मोर। तो यू नो, हमने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अर्ली, ऑलमोस्ट इन फेब्रुअरी और मार्च और समथिंग, हमने लिखा था कि दिस इज सरकारी स्प्रॉल,
बेसिकली ये स्लोली धीरे 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 इट्स दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. एंड माधव और बाकी जो लोकपत के मेंबर्स हैं दे कॉल दिस अ शेप शिफ्टिंग प्रोजेक्ट. बेसिकली हर जब भी आप इसको देखो तो इसका रूप थोड़ा एक्सपैंड हो गया है. अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट जो एनवायरमेंटल पर्यावरण के के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे इस प्रोजेक्ट का अगर वो देखना है तो एट सम पॉइंट दिस प्रोजेक्ट हैज टू आई मीन यू नो द डिजाइनर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव टू से दैट दिस इज द प्रोजेक्ट. लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं एंड उसकी वजह से अगर ये प्रोजेक्ट इस तरह से इट कंटिन्यूज टू शिफ्ट लाइक दिस देन देर इज नो चांस दैट वी विल नो द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. It's not possible because our But what I wanted to know is, you see, it's for our own people. मान लीजिए जब दूसरी बिल्डिंग की बात आएगी, जैसे आपका जो इंदिरा गांधी सेंटर है वहां पर कुछ और बनाने की बात आएगी तो दोबारा से वो मतलब आर्ट्स कमीशन पे जाना पड़ेगा दोबारा से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि उसको अपोज किया जा सकता है वहां पर? और मतलब यू नो यू कैन मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, आई मीन यू कैन से दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. Yeah, of course it happens. Yeah. But what I'm trying to say is that it doesn't take into account what has already happened. Yeah. हम लोगों का एक जो बहुत important मुद्दा था जो the environment clearance petition जो लगाया था and where Miss Meena Gupta who has been the secretary of Environment Ministry and Secretary of Tribal Affairs Ministry in the past. She is one of the petitioners in the environment clearance petition on the new parliament. Unke petition mein ye clearly likha hai ki it's not okay to allow the new parliament to go through and then do a cumulative impact assessment for the remaining aspects, remaining parts of the project. Because that is not a cumulative impact assessment, na? This project. I think even a child can make an assumption of you know the decision on that. And abhi tak there are still parts of the project. Like for example, unka jo plan hai Yamuna floodplain pe ek new India garden jo banane ka plan hai, wo to humne kisi documents mein dekha hi nahi abhi tak. इवन हम भी जब बात करते हैं तो हम सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं विच इज फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. वी एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इवन दो दिस प्रोजेक्ट एक्सटेंड्स ऑल द वे टू द यमुना फ्लड प्लेन्स, हम उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं. And you know, आपको पता है, almost everyone in Delhi knows कि यमुना फ्लड प्लेन्स पे क्या क्या हुआ है और उस पे कितने सारे litigations हुए हैं and how important the protection of the floodplain is for Delhi as a city. सबको मालूम है लेकिन फिर भी that's not there. So हम अभी तो बात नहीं कर सकते कि फ्यूचर में जब ये बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जब अप्रूवल्स के लिए आएंगे तो क्या क्या होगा, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल दैट वी विल नो द फुल इम्पैक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द नेचर इन विच द गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग विद द प्रोजेक्ट. सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल. एंड आवर लॉज, टू बी ऑनेस्ट, आवर लॉज आर नॉट सेट अप to deal with something like this. Okay. This is why jab aap pooch rahe ho ki aage kya hoga, I actually feel extremely hopeless about situations like this. Yeah. And it's not just about this case, look at all the other things that are going on, the farm laws and things like that. Hum log critical theory mein hum log racket society ke bare mein padhte hain. I don't know kya uske bare mein पता है कि नहीं, बट द पॉइंट दैट यू नो बिकॉज क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी सेंट्रलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इतना ज्यादा है तो कुछ लोगों को जिनके पास ये पावर्स हैं उनको दूसरों से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि चीजें कैसे होनी चाहिए. देर इज नथिंग टू मीडिएट बिटवीन
vested private interests and public interests. Nothing. Yeah, I think in this kind of a situation, we are a society run by rackets. Yeah, true. So, no, I'm glad you brought this to the fore. Yeah. Anyway, please go ahead if you want to add it. Yeah, no. So I'm just saying ki actually even in this judgment, kitne sare agencies listed hain, kitne sare committees listed hain, unke powers hain, unke responsibilities hain, unke rights hain, but it's all been sidelined because this is what the government would like to do. And aise situation mein, you know, Central Vista has, unfortunately, it has also been seen as an elite issue. Heritage is understood as an elite issue. Sometimes, ki hamara country itna poor hai, kitne log heritage mein interested honge. But actually, this is not a question of heritage. This is a question of governance. And agar hamara governance is in the hands of this kind of a concentrated, and centralized power situation, then eventually hum sab pe uska impact hone wala hai. I don't think as members of the society anyone is going to be scared. No, it's a serious absolutely. Madhav, now I think both of you can dwell on this issue, and you can add what you want. Yeah, I just want to let me just pose that question to both of you and then you can respond. I think one element which we found missing or maybe not that vociferous is the political class. Apart from a few individuals who actually issued statements, I know them, I don't quote them. There were no protests. I mean, after all, ek naya parliament ban raha hai, parliamentarians ko pucha nahi ja raha hai. There's a standing committee on urban development, unse nahi pucha ja raha hai. And ye kyun nahi ki unko bhi petitioner hona chahiye tha jiske liye parliament banna hai, abhi nahi to matlab. Once a parliamentarian, हम बोलते हैं always a parliamentarian, ex parliamentarian तो रहेंगे ना, तो मतलब ये आपको नहीं लग रहा है कि एक पूरा element इसमें missing हो गया है, और अब क्या कोई scope है, मतलब उसमें, it's not that they've not expressed their concern, definitely, we've seen the Congress president, we've seen the general secretary of the CPIM, and many other people who have actually issued statements, tweet किया है, लेकिन वो जिस तरह से handle किया जाना चाहिए था, वो politically, because it's a political issue as well. तो आपको नहीं लगता है कि ये मतलब एक एलिमेंट मिसिंग है एंड व्हाट आई मीन समथिंग एल्स ये मैं थोड़ा इसमें बाद में थोड़ा बात करूंगा बट पहले दो तीन चीजें एक तो ये नवभारत उद्यान जो मंजू ने मेंशन किया था इसमें आप देखिए ओ नवभारत उद्यान मतलब ये पूरा यमुना वाला जी यमुना में लैंड यूज जोन ओ में आता है उसके तहत वहां पे ईंट नहीं रखा जा सकता साहब वहां पे जो अभी प्रपोजल कंपटीशन में निकल के आया है जो उनको बताया गया था कि आप इसका डिजाइन बनाइए उसमें वहां पे 3D फिल्म का डोम बन रहा है कहीं कुछ एक एग्जीबिशन हॉल बन रहा है गैलरियां बन रही हैं मेरा ये कहना है कि जब आपने संसद का टेंडर फ्लोट किया था तब आपने बोला था कि संसद को भूकंप में के अगर भूकंप हुआ दिल्ली में तो संसद गिर जाएगा तो अब मेरा ये कहना है भूकंप तो कल भी होगा और भूकंप जो और जोन ओ में मैं ये कहूं टेक्निकली जो कहते हैं विशेषज्ञ जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि वहां पे जो यमुना तट पे जो परत है सॉइल की उसमें लिक्विफैक्शन कहते हैं उसको कि वो स्लाइड करता है तभी अर्थक्वेक में वो ज्यादा सेंसिटिव है रायसेना हिल के मुकाबले में तो यहां पे यही मैं सूझबूझ की बात कर रहा था अब मैं जो आपकी बात पकड़ूं पॉलिटिकल क्लास की या मैं बात पकड़ूं जुडिशरी की या मैं बात पकड़ूं आम नागरिक की ठीक है ना हम सबको ये जैसे अगर हम और सरकार ये बात मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया बहुत ही स्पेशल है और इसमें बहुत सूझबूझ से काम करनी चाहिए एक तरफ जुडिशरी कहती है कि नहीं हमें तो लगता नहीं है कोई फर्क है इसमें और किसी और प्रोजेक्ट में तो वो एक बात अलग कर बहुत अजीब है कि जब बाकी सब जो उनके सामने रेस्पोंडेंट पेटिशनर सब बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है तो न्यायालय मानती है कि नहीं ये तो हम इसको ऐसे देखेंगे जैसे कोई और प्रोजेक्ट देखते हैं ठीक है वो उनकी उनकी मतलब वो उनकी विजडम की बात है बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो नागरिक होता है या जो सरकार होती है जो जुडिशरी होती है या जो पॉलिटिशियन होते हैं हम सब बैठते हैं और बोलते हैं ये सारी टेक्निकल चीजें हैं
इसको हम विशेषज्ञ से करवाएंगे, दिखवाएंगे, वो सोच के बताएंगे। आप फार्म लॉज भी देख लीजिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जी, और पूरे शहर में बिखरा हुआ, पूरे देश में, देश की बात है ये, तो उसमें अकल लगाने का काम जो होता है वो एक विशेषज्ञ। और अभी आप फार्म लॉज में देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द कमिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप इस प्रोजेक्ट में देखिए विशेषज्ञता कहां कहां पे इस पे हावी हुई है, और उस विशेषज्ञ कमिटी की मेकअप क्या है। डीयूएसी का जो चेयरमैन साहब हैं डीयूएसी के, वो चेयरमैन साहब जो टेंडर जिन्होंने अवार्ड किया था उसके भी चेयरमैन वही थे, सरकार का मानना है इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेंट्रल विस्टा कमिटी में 12 लोग बैठते हैं, 12 में से 8 लोग सीपीडब्ल्यूडी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के नौकरशाह हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता हमें तो, लग अब यही है ना कि आंख मिचोली किस बात की खेली जा रही है, हमें नजर आ रहा है, हम बोल रहे हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की आप बात पकड़े, उनका मानना है कि नया, जहां की न्यायालय ने बोला है कि देखिए आप विशेषज्ञ, आप बताइए अपनी, आप विस्तार से बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, वो कह रहे हैं कि देखिए जो प्रोजेक्ट है वो हेरिटेज में आता नहीं है, तो हमें इसमें ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी ज्यादातर लोग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के नौकरशाह हैं या सीपीडब्ल्यूडी के नौकरशाह हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट का डेथ बाय कमिटी हो गया। आपने पॉलिटिशियंस की बात की, पार्लियामेंट्री कमिटी की बात की, ये सब के सब मोबिलाइज तो हो नहीं रहे। वो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि नागरिक मोबिलाइज हो जाएंगे, पॉलिटिशियन फॉर सम रीजन मोबिलाइज होते नहीं है, मगर वो भी अगर मोबिलाइज होंगे वो भी हम जैसे लोगों की तरह यही बोलेंगे कि किसी विशेषज्ञ को दिखवाओ जो कि स्वाधीन हो, जो कि अपनी अपनी मंशा अलग से बताए, ना कि आपसे पगार लेके आपकी रिपोर्ट पे साइन ठप्पा मार के आगे बढ़ाए बात को। तो पॉलिटिशियन को मैं फॉल्ट मानूंगा, मगर उनके तरफ से अगर देखा जाए तो देश में और क्या क्या नहीं हो रहा जो उनको लगता है ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये ज्यादा देर तक चलेगा ये मैं भी ये भी बोल दूं, ये 5-6 साल की बात नहीं है। यहाँ पे ये सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से वो तो 150 साल के लिए इमारत बना रहे हैं, हम सब गायब हो जाएंगे तब तक। मैं बस ये मानना चाहता हूं कि हम चले जाएंगे, शहर तो बाकी रहेगा हमारा। आप म्यूट पे हैं टिकिंदर। मंजू, यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो, मुझे लगता है कि इस स्टाइल के गवर्नेंस जो हम अभी देख रहे हैं उसमें एक्चुअली ऑपोजिशन को बहुत कम स्पेस है टू रेज एनी ऑफ दीज इश्यूज। ऑफ कोर्स यू नो हम बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑपोजिशन जो स्पेस है वो भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट मुझे लगता है इस गवर्नेंस स्टाइल में there is a lot of concentration of power, जिसकी वजह से opposition को actually इन मुद्दों को उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। And जैसे कि माधव ने कहा, central vista is just one issue ना, actually हम लोग इन कुछ सालों में हमने ऐसे कितने सारे मुद्दे देखे हैं जहाँ पे it's been very difficult for the political parties to oppose bad policies, and it has fallen on the larger society to stand up and make it known to the government ki unko isme sehmati nahi hai. And even that has been so difficult because abhi is mahol mein protests ko bahut hi limit kiya gaya hai through various laws and policies. So, and in fact, Central Vista is again a good example of that. क्योंकि ये farm laws के चलते, farm laws protest के चलते चलते हमने इतने सारे photos देखे हैं of how in the 80s the big farmer protests had happened on Rajpath. You know, कि parliament के सामने अगर लोगों को protest करने का चांस नहीं है तो आखिर पार्लियामेंटेरियंस को पता कैसे चलेगा कि लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं। बट दैट हैज ऑल बीन वेरी सिवियरली कर्टेल्ड ओवर द इयर्स। तो ऑपोजिशन, पुटिंग अप एन ऑपोजिशन टू बैड पॉलिसीज एंड बैड लॉज हैज बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक होता है टिकंदर, एक हिंदी में एक शब्द होता है वेग, और अंग्रेजी में एक शब्द होता है वेग। वेग, हिंदी में वेग का मतलब होता है स्पीड, yeah. हाँ,
मालूम नहीं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो हाँ तो मैं हाँ बोलूंगा। मतलब संस्कृत से खींचा हुआ है, मगर है तो हिंदी का वर्ड वेग, और अंग्रेजी में तो आप समझते हो वेग का मतलब। ठीक है ये एक प्रोजेक्ट जो दोनों दोनों भाषाओं में वेग है। विद नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, मुझे याद है कि एल्बर्ट स्पीयर भी वर्कशॉप बनाने वाला था साहब, लेकिन वो युद्ध में चले गया और वो कभी बना नहीं हिटलर का। तो अभी ये आपके पटेल साहब नया एल्बर्ट स्पीयर है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हश्र आज नहीं तो कल ऐसे ही होने वाला है। और ये मतलब जो ये पूरा काम कर रहे हैं पैंडेमिक में, जहां लोगों को पैसे की जरूरत है, जहां पर लोगों पे खर्चा किया जाना चाहिए, वो वहां पर खर्चा ना करके ये खर्चा, मतलब जो आपने कहा ये प्रोजेक्ट मतलब बेमायने प्रोजेक्ट है बेसिकली, इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक मनी। लेकिन किसी ने आर्ग्यूमेंट कहा एक डिस्कशन में कि जब पैसा होगा तब बनाना चाहिए, हम मेरे तब भी नहीं बनाना चाहिए, तब भी वो गलत है, लेकिन फिलहाल जब आप पास नहीं है आप क्या कर रहे हो, लोगों को मतलब बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है, आप वो वहां ना खर्च करते हुए आप ये पूरा कर रहे हो, आई थिंक। लेकिन अच्छी बात ये निकली है कि इट्स नॉट द एंड, और अभी इसमें आगे और स्कोप है जिसपे मतलब ज्यादा एंगेजमेंट की जा सकती है और लोगों को शामिल किया जा सकता है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप इसमें पार्टिसिपेट किए, एंड थैंक यू सो मच।